हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्लान है वो 20 फिट बाई 60 फिट का प्लान है। डियर फ्रेंड्स, इस प्लॉट को हमने 3 बेडरूम, कार पार्किंग और किचन के साथ प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसका जो हमने एक्चुअल साइज निकाला है 20 फिट बाई 59 फिट का निकाला है। 1 फिट का जो हमने अपना साइज है वो हमने रोड वाइडनिंग में छोड़ रखा है, यानी कभी रोड चौड़ा होता है तो वो 1 फिट अपना वहाँ चला जाएगा। तो 20 बाई 59 हो गया। 9 फिट की हमने एंट्री दी है। मेन एंट्री हमारी 9 फिट की रहेगी। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, सामने पर कार पार्किंग है और स्टेयरकेस है। बाहर से बाहर अपना स्टेयरकेस का एरिया है। आप इसके फर्स्ट फ्लोर को इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। फ्रंट पर ये अपना एक गेस्ट के लिए 4 फिट बाई 4 फिट का टॉयलेट है। यहाँ से एंट्री अपने ड्राइंग रूम में, आपका जो भी गेस्ट है आप यहाँ उनको बिठा सकते हैं। 9 फिट 10 इंच बाई 10 फिट 9 इंच का इसका साइज है। यहाँ इसका विंडो है वेंटिलेशन के लिए बाहर की साइड, और यहाँ से एक स्लाइडिंग डोर है अंदर जाने के लिए। दूसरी एंट्री आप डायरेक्ट यहाँ से घर के अंदर जा सकते हैं। तो ये अपना लॉबी एरिया है, 9 फिट 10 इंच बाई 16 फिट 3 इंच का, जहाँ आप अपना डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं या फिर कोई भी अपनी घर के छोटे मोटे पार्टी वगैरह फंक्शन, वो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा किचन है 9 फिट बाई 8 फिट का, जिसमें एल टाइप अपना प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपना गैस स्टोव, इस साइड अपना सिंक, और यहाँ इसका विंडो है वेंटिलेशन के लिए। किचन हमारा मेन गेट के सामने रहेगा, जिससे घर के अंदर आने जाने वाले लोगों पर प्रॉपर विजिबिलिटी रहे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लेडीज का किचन में ही गुजरता है। तो इसीलिए मेन गेट पर हमने किचन को बनाया हुआ है। यहाँ से किचन के बगल में पूजा है अपना, 9 फिट बाई 4 फिट का ये अपना काफी स्पेसियस पूजा रूम है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लगभग हमने 5 फिट का पैसेज दिया है। इस पैसेज से एंट्री अपने बेडरूम में, 14 फिट बाई 11 फिट का ये अपना बहुत ही शानदार बेडरूम है, जिसमें ये बेड की पोजीशन, और यहाँ अपना एक टीवी यूनिट, और यहाँ आप देखेंगे एक डोर दे रखा है। ये डोर अपना ओटीएस में खुलता है। तो ये 7 फिट 10 इंच बाई 8 फिट 7 इंच का ये अपना ओटीएस एरिया है। तो यहाँ आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, और इस कॉर्नर में एक कॉमन टॉयलेट है जो कि 2 बेडरूम के लिए रहेगा। 7 फिट 10 इंच बाई 5 फिट का इसका साइज है। तो इसमें लेआउट आप देख सकते हैं, ये टॉयलेट सीट, यहाँ शावर, और यहाँ अपना हैंड वॉश, और वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया में इसका वेंटिलेशन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये अपना बेडरूम है, लास्ट बेडरूम 11 फिट बाई 14 फिट का। ये बेड की पोजीशन है, यहाँ अपना टीवी यूनिट है, और ये विंडो है इसका ओटीएस की तरफ, और यहाँ से भी एक डोर है जिससे कि आप टॉयलेट और ओटीएस में जा सकें। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये प्लान अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,